आफताब पर पहले से शक था। उसके संपर्क में आने के बाद बेटी बदल गई थी। ये खुलासा किया है श्रद्धा के पिता विकास मदान वॉकर ने। वही श्रद्धा जिसकी लिव इन पार्टनर आफताब ने उसकी निर्मम हत्या कर अपने गुनाहों को छिपाने के लिए हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अब श्रद्धा के पिता ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें अगर श्रद्धा ने मान लिया होता तो शायद उनकी बेटी जिंदा होती। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान श्रद्धा के पिता विकास मदान ने बताया कि किस तरह उन्हें आफताब पसंद नहीं था और उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया था। उन्होंने श्रद्धा से कहा था कि वो अपनी बिरादरी में ही किसी अच्छे लड़के से शादी कराएंगे, लेकिन उसने कहा कि वो आफताब के साथ ही रहेगी। रिपोर्ट के अनुसार श्रद्धा के पिता ने कहा, बेटी और आफताब पुनावाला के अफेयर के करीब 18 महीने बाद हमें दोनों के रिलेशनशिप का पता चला। बेटी ने अपनी माँ को साल 2019 में बताया था कि वो आफताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। इसका हमने विरोध किया था, लड़ाई हुई, हमने मिन्नतें भी की, लेकिन वो घर से चली गई। बेटी के जाने के बाद उसके दोस्तों से पता चला कि दोनों नया गांव और फिर कहीं और जाकर रहने लगे। कभी कभी श्रद्धा अपनी माँ को फोन करके बताती थी कि आफताब उसके साथ मारपीट करता है। इसी बीच उसकी माँ का निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विकास मदान ने बताया, पत्नी की मौत के बाद एक दो बार श्रद्धा ने मुझे आफताब की हरकतों के बारे में बताया। इस पर मैंने आफताब को छोड़कर वापस घर आने के लिए कहा था, लेकिन आफताब के मनाने पर वो वापस उसके साथ चली गई। उनके मुताबिक इसके बाद मुझे बेटी के दोस्तों ने भी बताया कि श्रद्धा और आफताब के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आफताब उसके साथ मारपीट करता है। चूंकि कई बार मैंने उसे समझाया था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी थी, इस वजह से मैंने उससे बात नहीं की। इसी बीच सितंबर महीने में मेरे बेटे को श्रद्धा के दोस्तों ने फोन करके बताया कि उसकी बहन का फोन 2 महीने से बंद है। फिर हमने थाना मनिकपुर महाराष्ट्र में श्रद्धा की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विकास मदान का दावा है कि जिस तरह से आफताब को कोई डर नहीं, उसका सामान्य तरीके से बात करना, ये सब खटक रहा है। उन्हें उसकी कहानी पर यकीन नहीं। उनके मुताबिक श्रद्धा की डेथ रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उन्हें उसके दावे सच नहीं लगेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।